हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता के एस किचन में। तो आज हम लेकर आए हरे चने की निमोना। तो देख सकते हैं, एक कटोरी हमने छील के धो के ले लिए हैं, और ये दो आलू बड़े बड़े टुकड़ों में देख सकते हैं काट लिए हैं, और ये हमारे सारे मसाले हैं, और ये प्याज एक बारीक कटी हुई प्याज, और ये जीरा तड़का के लिए हींग, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दो टमाटर हमने जो पीस के ले लिए हैं, और ये धनिया, ये हमने हरा धनिया पीस के ले लिए, दे सकते हैं। अब इसको हम दरदरासी पीसेंगे, बिल्कुल दरदरासी। मिक्सर के जार लिए हैं, इसमें हम ले रहे हैं, इसको पलट ले रहे हैं, इसको हम दरदरासी पीस लेंगे। बारीक नहीं करनी, हमें दरदरासी पीस के ले लेनी है। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं दरदरा से पीस लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से, एक एक दो ऐसे खड़े भी है, तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब बनाते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई ले लिए हमने, गैस चालू कर लिए, इसको खूब अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गया, इसमें थोड़ी सरसों का तेल डालेंगे, तो जो कि हमें आलू को थोड़ी सी फ्राई करनी है, देख सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं, तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल लेते हैं आलू, एक ही साथ हम डाल रहे हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको बीच बीच में चला लेनी है, इसको सेकेंड के लिए छोड़े थे, तो अभी थोड़ी सी कलर चेंज हो रही है, इसको और कुछ सेकेंड पे इसको चलाते रहना बीच बीच में। तो देख सकते हैं आलू हमारा फ्राई हो गया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, निकाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी, जैसे थोड़ी सी तेल बच रही है, थोड़ी सी हम और डालेंगे, थोड़ी सी तेल हम इसमें और डालेंगे, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद ये आ गया हमारा जीरा, जीरा को अच्छे से पकने देते हैं। उसके बाद ये आ गया हींग, खुशबू के लिए हींग, अगर आपको पसंद ना है तो ना डालें। और डालेंगे प्याज, अब प्याज को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। देख सकते हैं प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी थोड़ी कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसको भी हमने भून लिया, लहसुन का भी पेस्ट का भी हमने भून लिए हैं, अब गैस को कम कर लें, इसमें सारे मसाले डाल रहे हैं। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, अब नमक स्वाद अनुसार ले, यहाँ स्वाद अनुसार नमक आधे चम्मच, हल्दी पाउडर आधे चम्मच, गरम मसाला आधे चम्मच, धनिया पाउडर आधे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, गैस कम ही रहने देंगे, इसको भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मसाला हमारा भून गया है, अब इसमें डाल लेंगे टमाटर का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं। तो सारे मसाले हमारा देख सकते हैं भून गया है, अब इसमें डाल लेंगे हम धनिया जो कि पीस के रखे थे,
या ये हमारा धनिया का पेस्ट, हरी चटनी, तो इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। बहुत ही मस्त आ रहा है। अब इसमें डाल देंगे जो चना हमने दरदरा से पीसे थे, देख सकते हैं। इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। साथ में हम आलू भी डाल देंगे, तो अगर इसे थोड़ा बहुत कसर हो तो आलू भी साथ में हमारा पक जाएंगे। तो 1 मिनट पहले हम इसको भून लेते हैं। 1 मिनट तक हम इसको भून लिए हैं। अब इसमें हम आलू डाल रहे हैं, सारे को मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसको हम 3 से 4 मिनट भून लेते हैं, तेज आंच करके लगातार इस तरीके से हमें भूनते रहना है। इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही मस्त आते हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई भी सब्जी थोड़ा सा इस तरीके से तेज आँचों पर भूनने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से हम 3 से 4 मिनट भून लेते हैं तेज आँच पे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हम तेज आँच पे भूने थे, पूरी तरीके से देख सकते हैं भून के कम भी हो गया है। अब इसमें डाल दें हम पानी। तो इसमें धनिया का पेस्ट रखे थे हमने, तो इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी लिए हैं पानी। ये डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो इतना गाढ़ा नहीं रखेंगे, सप्लाई और पानी डालेंगे। तो हमें 1 गिलास में पानी ले लिए, 1 गिलास और डाल रहे हैं। तो 1/2 गिलास हमने डाले हैं, 1 कटोरी और 1/2 गिलास। तो हमने फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद ना हो तो पानी तो थोड़ा कम ही रखें, लेकिन कम इतना गाढ़ा बहुत ही, मतलब जिसको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो इससे ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। इतना गाढ़ा तो और थोड़ा सा पानी डाल दें। ये पूरा ही डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसको पका लेते हैं, तेज आंच पे उबाल आने देते हैं। उसके बाद गैस कम करके हमें 3 से 4 मिनट पका लेने, ताकि गड़ी भी अच्छे से हमारा पक जाए। देख सकते हैं उबाल आ गया है। अब गैस को हम कम कर ले रहे हैं। इसको 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ग्रेवी को भी और आलू सब्जी अच्छे से पका लेते हैं। तो देख सकते हैं बनके हमारा तैयार हो गया। देख लीजिए आलू पका है कि नहीं। तो देख सकते हैं आलू अच्छे से भी पक गया है, सब्जी अच्छे से पक गया है। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं।